इसरो ने किया सबसे बड़ा ऐलान। आज रात को चंद्रमा की सतह पर रचे जाएगा इतिहास। चंद्रयान 3 को दे दिए गए हैं सारे कमांड। चंद्रयान 3 के सारे सेंसर कर दिए गए हैं ऑन। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी इसरो के सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की का खुलासा किया है, इस बात का ऐलान किया है कि दरअसल हमारा चंद्रयान 3 आज रात को इतिहास रचेगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 आज रात को इतिहास रचेगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 आज रात को इतना बड़ा इतिहास रचने वाला है कि उसकी वजह से चंद्रयान के ऊपर लगे लगभग 250 के 250 सेंसर को खोल दिया गया है। मतलब कि चंद्रयान 3 के ऊपर लगे 250 से पूरे के पूरे सेंसर को, 250 सेंसर को ओपन कर दिया गया है। मतलब कि अब चंद्रयान हमारा पूरी क्षमता से काम करेगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। जब इसरो के वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया कि आज रात को हमारा चंद्रयान 3 क्या करने वाला है, तो उसको सुनने के बाद यकीन मानिए पूरी दुनिया गदगद हो गई। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा कि आखिर इसरो के वैज्ञानिक ने क्या बताया है, आज रात को हमारा चंद्रयान 3 क्या करने वाला है। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास में आज रात का जो समय होगा वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज रात की तारीख और समय को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी को अपने भारतवासी होने पर गर्व होगा, जिसका इंतजार पूरे भारत के लोगों को कई वर्षों से था, आज वो घड़ी आ चुकी है। बताया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 इतना बड़ा काम आज करने जा रहा है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 पर लगे हुए सारे सेंसर को ऑन कर दिया गया है और चंद्रयान 3 को एक कमांड दिया गया है कि तुम फुल क्षमता से, मतलब कि जितनी भी कैपेसिटी है उन सभी कैपेसिटी को जोड़ करके आज वो काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह काम तो बहुत दिन बाद होने वाला था, मतलब कि एक हफ्ते बाद होने वाला काम आज ही किया जा रहा है। इसी की वजह से तो नासा ने इसरो से फ़ोन करके बात की। नासा ने बताया कि जो काम आप करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सबक साबित होगी। इसीलिए नासा ने तो इसरो से रिक्वेस्ट तक कर दिया है कि हमें भी चंद्रयान 3 के लाइव लोकेशन एक्सेस करने दिया जाए। लेकिन फिलहाल इसरो ने चंद्रयान 3 के लाइव लोकेशन को एक्सेस करने से नासा को मना कर दिया है, क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 जो काम करने जा रहा है वह काम नासा ने एक बार नहीं 20 बार किया था, लेकिन 20 बार फेल हुआ था। लेकिन आज हमारा चंद्रयान 3 ऐसा इतिहास रचेगा। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सा काम करने जा रहा है हमारा चंद्रयान 3। साथ ही साथ आपको इसरो के सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ की बातें भी मैं सुनाऊंगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि आज रात को क्या होने जा रहा है। वो बता रहे हैं कि आज रात का जो समय है वो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। तो बताएंगे हम, जानेंगे हम सब कुछ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक पूरी और सटीक जानकारी मिले, अधूरी जानकारी आप ना ले जाएं। साथ ही साथ बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसरो की इस बड़ी कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसके बाद आज रात को जो वो इतिहास रचने जा रहा है उसका निर्धारित समय एक सप्ताह बाद था। मतलब कि हमारा चंद्रयान 3 एक सप्ताह बाद वो इतिहास रचने जाता, लेकिन अब उसे एक सप्ताह बाद वाला काम अभी करने को बोल दिया गया है। मतलब कि अब जो एक सप्ताह बाद वो काम करने वाला था वो अभी करेगा और आज रात को ही करेगा। इसीलिए नासा ने भी इसरो को बधाई दी है। नासा ने अग्रिम बधाई देते हुए कहा है कि इसरो जो काम करने जा रहा है वह वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी पूरी दुनिया को कब से इंतजार है।
हालांकि हर एक भारतवासी तो इसका इंतजार कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को यह बताया है कि देखिए, हमारा जो चंद्रयान है, हमने चंद्रयान 3 की सारी कैपेसिटी को ऑन कर दिया है। मतलब कि जैसे आप कोई कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसे कितना आप काम ले सकते हैं, तो वैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की एक कैपेसिटी है जिस पर वो इसरो काम करता है। इसरो ने कहा है कि अभी तक हम आधे कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने फुल कैपेसिटी ऑन कर दिया है। साथ ही साथ यह भी बताया कि हमने चंद्रयान 3 के ऊपर लगे सारे सेंसर, सारे कैमरे और साथ ही साथ चारों के चारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को भी ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारा चंद्रयान 3 एक ब्रह्मास्त्र की तरह मजबूत हो चुका है। अब हमारा चंद्रयान 3 जो करने जा रहा है वह दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया को इसका इंतजार कई सालों से था। बता दें कि खबर आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह पर जाएगा जहाँ पर नासा कई बार जाने की कोशिश किया था लेकिन लगभग 20 बार वह फेल हुआ था। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 आज रात को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से को क्रॉस करने वाला है जहाँ पर जाने से खुद नासा डरता है। खुद नासा के वैज्ञानिक उस जगह पर जाना मतलब अपने आप को मौत के हवाले करने के बराबर समझते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो से बात करके बताया है कि देखिए, हम जो 20 बार गए हैं उन 20 बार में हमें ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप भी उस जगह पर जा रहे हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप सावधान रहें। इसरो ने नासा के इस नसीहत के लिए नासा को धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ कहा है कि नासा इसीलिए अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर नहीं उतार पाया है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रहस्यमयी गुफा है। उस गुफा के पास से जब भी कोई मून मिशन जाता है तो वह अचानक खो जाता है, लेकिन चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद उस गुफा को हमारा चंद्रयान 2 भी पार कर चुका था और अब चंद्रयान 3 की बारी है। बताया जा रहा है कि एक बार नासा भी उस गुफा को पार कर चुका था, लेकिन पार करने के बाद जब उसको लैंडिंग का समय आया तो वह क्रैश कर गया था। इसीलिए यह गुफा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर मौजूद इस गुफा में कई प्रकार के अनेकों प्रकार के एनर्जी रिलीज होती है, जो अक्सर हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे सैटेलाइट को, हमारे तमाम तरीके के नेटवर्क को जैम कर देता है। और इस गुफा के पास से जो होकर के गुजरता है वह कभी दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं पाता। इसीलिए तो इस गुफा को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मौत का कुआं कहा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों के बाद अब खबर आ रही है कि आज रात को चंद्रयान 3 उस गुफा के पास से गुजरेगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के सारे कैपेसिटी को, सारे सेंसर को, सारे कैमरे को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे सॉफ्टवेयर को इसीलिए ऑन किया गया है ताकि वो आज जब इस रास्ते से गुजरे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। इसरो ने हालांकि हमारे चंद्रयान 3 में 3 प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। नेटवर्क ए का जो काम है वही बी का काम है और वही सी का काम है। कहने का मतलब ये है, जब नेटवर्क ए खराब होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक नेटवर्क बी उसे रिप्लेस कर देगा, जिस तरीके से हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, जैसे ही लाइट कटती है तुरंत इन्वर्टर उसे रिप्लेस कर देता है। इससे अगर हम टीवी भी देख रहे होते हैं तो एक सेकेंड के लिए भी हमारी टीवी बंद नहीं होती। ऐसा ही कुछ इसरो ने अपने चंद्रयान 3 में कर रखा है। उसने नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी का एक बढ़िया सेटअप किया हुआ है। बताया जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 उस गुफा के पास से गुजरेगा तो अगर मान लीजिए कि नेटवर्क ए जाता भी है तो अपने आप नेटवर्क बी उसे रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से एक बार जब अगर नेटवर्क जाएगा तो हमारा नेटवर्क ए तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क बी और नेटवर्क सी सेफ रहेंगे। जब हमारा चंद्रयान 3 उस गुफा के पास से गुजर जाएगा तो ये माना जा रहा है कि हमारा नेटवर्क ए ख़राब हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क बी और नेटवर्क सी रहेगा। अब नेटवर्क बी और सी का काम तब आएगा जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा होगा।
तब हमारा नेटवर्क बी एक्टिव रहेगा। उस समय मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है तो हमारा नेटवर्क सी अपने आप उसे रिप्लेस कर देगा, और अगर नहीं गड़बड़ी होती है तो नेटवर्क बी ही काम करता रहेगा। और यह सभी काम करके पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जो इतिहास के पन्ने हैं उस पर सुनहरे अक्षरों से चंद्रयान 3 बाई इसरो लिखा जाएगा। यह बात अपने आप में बहुत खास है। रूस का लूना 25 जो चंद्रयान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा है, यह भी लग रहा है कि हो सकता है वह इस गुफा को पार न कर सके, क्योंकि अगर रूस इस गुफा को कभी पार कर सका होता तो 47 साल उसे नहीं लगते चंद्रमा पर जाने के। आपको पता होगा लूना 25 जो मून मिशन है रूस का, उसे 47 साल बाद लॉन्च किया गया है। आखिर 47 साल तक क्यों चुप रहा रूस? क्योंकि उसे भी पता था कि हम उस गुफा के पास से शायद नहीं गुजर पाएंगे, लेकिन चंद्रयान 3 को पता है कि वह उस गुफा के पास से गुजर जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के माध्यम से उस गुफा के पास से गुजरने का उसके पास एक एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा काम आता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमारा चंद्रयान 3 उस तरफ बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि आज रात को जो इतिहास रचा जाएगा, जो इतिहास लिखा जाएगा, इसकी लाइव टेलीकास्टिंग की जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप को लाइव टेलीकास्टिंग देखनी है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दबाएं बटन को, अपने आप वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद हमें आपको जब उसका लाइव टेलीकास्ट होगा तो मैं आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको लाइव टेलीकास्ट दिख पाएगा, अन्यथा आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बाद जो हमारा इसरो है उसकी इस कामयाबी को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि हमारा चंद्रयान 3 आज पार हो जाएगा? क्या आज रात को इतिहास रच देगा? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट बॉक्स में कहें हाँ, अगर लगता है नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ना। आपकी रिप्लाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो लिख करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि कितने देशभक्त हैं जो अपने चंद्रयान 3 को चाहते हैं। जय हिंद, जय इसरो।